दोस्तों यहाँ अहमदनगर में हरंगाव नाम से एक गांव है, यहाँ पर शिंदेवाड़ी नाम से एक बस्ती है, शिंदेवाड़ी। तो सोमनाथ शिंदे इन्होंने हमें कॉल किया था। यहाँ पर देखिए इनका एक बड़ा सा खेत तालाब है। देखिए पहले भी हमने कई सारे स्नेक खेत तालाब में रेस्क्यू किए हैं, आज भी हम शिंदेवाड़ी में आए हैं। यहाँ हरंगाव नाम से गाँव है ये। तो ये जो खेत तालाब होता है ये खेतों के लिए पानी देने के लिए बना हुआ था। देखिए यहाँ पर खेत दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों रात में जब स्नेक बाहर निकलते कुछ खाने के लिए, शिकार करने के लिए, तो क्या होता है इससे खेत तालाब से ऐसे फिसल जाते नीचे और उनको ऊपर ऊपर नहीं चढ़ पाते। तो ऐसे स्नेक क्या हो जाते हैं उसमें कई दिनों बाद, 10-15 दिनों बाद वो उसी में मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल हमारे वीडियोस की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को जानकारी मिल रही है और हमें लोग कॉल कर रहे स्नेक को रेस्क्यू करने के लिए। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों, हमारी वजह से स्नेक को रेस्क्यू किया जा रहा है। आज इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने हमें कॉल किया, इनकी वजह से आज हम इनके द्वारा हम ये आज स्नेक रेस्क्यू कर रहे हैं दोस्तों। तो हमने अभी तक स्नेक को देखा नहीं, चलिए हम देखते हैं वहाँ पर जाके कौन सा स्नेक है। दोस्तों बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, हम किस तरह इस स्नेक को रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू करने के बाद हम इसको जंगल में आज़ाद कर देंगे। चलो दोस्तों यहाँ देखिए रसल वाइपर स्नेक। कौन सा स्नेक है? रसल वाइपर। महाराष्ट्र में इसे घुनस नाम से जानते हैं, काफी जहरीला सांप होता है दोस्तों। यहाँ अभी इसको हम रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए ताकि दोस्तों आप इस सांप के बारे में अच्छे से जान पाए, इस सांप को आप अच्छे से देख पाए। देखिए दोस्तों ये कितना खूबसूरत सांप दिखता है, लेकिन दोस्तों जितना ये खूबसूरत दिखता है उससे कई ज़्यादा ये खतरनाक और जहरीला है। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल अजगर की तरह दिखता है, उसी की तरह मिमिक्री करता है। आपने जब पहली बार देखा होगा इसे तो आपको भी लगा होगा कि ये अजगर है, लेकिन दोस्तों ये अजगर है नहीं। और दोस्तों ऐसे कई सारे घटनाएँ हो चुके हैं कि इस रसल वाइपर स्नेक को यानी घोनस सांप को कुछ लोगों ने अजगर समझा और वो उसको पकड़ने गए और मारे गए, क्योंकि दोस्तों ये अजगर है नहीं, ये एक जहरीला रसल वाइपर स्नेक है जिसे महाराष्ट्र में घुनस नाम से जानते हैं। और दोस्तों अलग अलग राष्ट्र में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसीलिए हमने इसका इंग्लिश में एक ही नाम याद रखना है, रसल वाइपर स्नेक। इसे इंडिया में रसल वाइपर स्नेक नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम ये स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं, इस स्नेक को बाहर निकालते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि हम इस स्नेक को बाहर निकालने के बाद तुरंत एक अच्छी जगह पर जंगल में आजाद करने के लिए जाने वाले हैं। देखिए दोस्तों एक रसल वाइपर स्नेक हमने इस खेत तालाब से रेस्क्यू किया है। देखिए ये जहरीले सांप होते हैं, मैंने काफ़ी सारी जानकारी इस बारे में पहले दे चुका हूँ। देखिए ध्यान से देखिए इसे गर्दन से लेकर पूंछ तक, देखिए झालर की तरह गोलाकार ऐसे काले धब्बे और चॉकलेटी, और उस पर व्हाइट डॉटेड लाइनिंग दिखाई देती है।
नीचे से हल्का पीला और सफेद दिखाई देता है। देखिए मुंह उसका जो है, देखिए मुंह त्रिकोणी आकार की तरह होता है। जब ये सांप गुस्से में आता है तो कुकर की सीटी की तरह आवाज निकालता है। देखिए इसका आवाज भी सुनिए, अटैक कितना जबरदस्त होता है, स्प्रिंग बाइट जैसा अटैक करता है ये। तो दोस्तों बस यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, बिना प्रशिक्षण के, बिना कोई ट्रेनिंग के सांप पकड़ने की कोशिश ना करें, वरना मारे जाओगे। जब आप पूरी तरह से ट्रेनिंग लोगे किसी स्नेक कैचर के पास, सांप पकड़ने वाले पास, तभी आप सांपों को पकड़िए। इसके बारे में पूरा पहले स्टडी करिए कि किस तरह सांप होते, किस तरह हैंडल किया जाता है। स्नेक कैचर के पास सीखना पड़ता है पहले, फिर सांप पकड़िए। बिना प्रशिक्षण के, बिना कोई सांप हैंडलिंग ट्रेनिंग के, बिना कोई स्नेक हैंडलिंग ट्रेनिंग के सांप मत पकड़िए, वरना मारे जाओगे, जानलेवा होगा ये आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको रेस्क्यू कर लिया, अब इसको अच्छी जगह पर हम आज़ाद करने वाले जंगल में, फॉरेस्ट में। दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, अभी तुरंत हम इस सांप को ले जाकर एक अच्छी जगह पर जंगल में आजाद करने वाले हैं। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियोज आपको देखने को मिलते रहेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ सांपों के बारे में जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों अहमदनगर में आरंगाव नाम से गांव है, वहां पर ये रसल वाइपर स्नेक हमने रेस्क्यू किया था एक खेत तालाब से। सोमनाथ जी शिंदे हैं, इन्होंने हमें कॉल किया था इसको रेस्क्यू करने के लिए, उनके खेत तालाब में गिरा था। तो ये देखिए हम इसको यहाँ पर जंगल में, फॉरेस्ट में आज़ाद कर रहे। देखिए दोस्तों बिना प्रशिक्षण के कोई भी सांप पकड़ने की कोशिश ना करें। अगर आपने किसी स्नेक कैचर के पास, सांप पकड़ने वाले के पास इसका ट्रेनिंग लिया है, एक साल के लिए स्टडी किया है, तभी सांपों को पकड़िए, अदरवाइज आप सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें। तो ये देखिए ये रसल वाइपर स्नेक बहुत ही जहरीला और खतरनाक सांप होता है। भारत में जो सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं उनमें से एक सांप है। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह स्नेक रेस की वीडियोस देखना चाहते हो, सांपों के बारे में जानकारी जानना चाहते हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब नाम का बटन होगा, उसे दबाइए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।